हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रेजी दैट इज कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनीवेयर फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस्ड एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक नीट, एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेई, ऑल दैट यू विल बी गिविंग। तो आप भी चाहते हैं आपके क्वेश्चन का ऐसे वीडियो सॉल्यूशन मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे एक ड्राइव का लिंक है, उस पर अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के अपलोड कर दें, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी डिस्कशन चलता रहता है। तो देखो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 के अंदर आई हुई प्रॉब्लम, और ये वो इजी कैटेगरी की प्रॉब्लम है जिसको कोई भी नॉर्मल बच्चा भी टारगेट कर सकता है, और ये वो प्रॉब्लम है जो आपको टारगेट करके आईआईटी तक जाने का रास्ता दिखाते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो आपको छोड़नी नहीं चाहिए, काफी इजी प्रॉब्लम। देखो, एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन लॉन्ग कंडक्टिंग स्फेरिकल वायर कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, राइट? इट पर्सिस अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर इन सच अ वे दैट द आर्क पीक इज सबटेंडेड एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस की परमिटिविटी दे रखी है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला है कि फ्लक्स थ्रू द शेल इज रूट 3 लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, जेड कंपोनेंट इज 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज रूट 2 आर लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द शेल एट ऑल द पॉइंट्स। तो ठीक है, ये मल्टी करेक्ट के अंदर आया था, मल्टी करेक्ट के अंदर आया था। और ये कहीं का प्रॉब्लम है बच्चों? गॉस लॉ का बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है। देखो, गॉस लॉ आपके पास क्या होता है? गॉस लॉ होता है आपके पास फ्लक्स ओवर क्लोज्ड इंटरवल ई डॉट डी ए, जो ई डॉट डी ए होता है क्लोज्ड इंटरवल पे, इट इज नथिंग बट क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ दैट क्लोज सर्फेस, राइट? ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बता रखा है क्या होता है, ठीक है, गॉस लॉ। अब आप देखो, आपको जो दिया हुआ है ना, आपको कुछ ऐसा सा स्फेरिकल अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसके अंदर ये इनफाइनाइट वायर है जिसकी डेंसिटी लैम्डा है, ये पॉइंट जो है उसका सेंटर पॉइंट है ओ, और ये जो है जेड एक्सिस के पैरेलल है, जो ये जो रखा हुआ है ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ है, राइट? इस तरह से कुछ, राइट, कुछ इस तरह से जेड एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और ये इसका सेंटर है। तो देखो, अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन करता हूं तो ये आर होगा रेडियस का वैल्यू, और ये आर होगा, अगर ये टोटल 120 है, यहां से मैं एक एंगल बाइसेक्टर गिराता हूं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये पॉइंट 60 डिग्री, और मैं इसको एक्स मान लेता हूं, तो इस ट्राइंगल में मैं लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं, इस ट्राइंगल में मैं साइन 60 लगा सकता हूं। अगर इस ट्राइंगल में मैं लगा दूं साइन 60 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर रूट 3/2, जो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास? 2r साइन 60 के बराबर, यानी कि 2r इंटू रूट 3/2, यानी कि आर रूट 3। बस अगर मेरे को इस पोर्शन की लेंथ पता चल गई तो मेरे से देखो, जो फ्लक्स पूछा है वो शेल के थ्रू पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। तो शेल के अंदर तो सिर्फ ये इतना सा वायर है PQ, शेल के अंदर तो सिर्फ ये पी क्यू वायर है, राइट? ये पकड़ पा रहे हैं आप, शेल के अंदर सिर्फ पी क्यू वायर है, तो पी क्यू की जो लेंथ है वो मेरे पास आ गई रूट 3r। तो इसकी जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है, पूरी इनफाइनाइट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा। तो इस इतने से अंदर जो चार्ज पी क्यू सेक्शन में चार्ज होगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू रूट 3r। क्यों? क्योंकि जो एक यूनिट पे चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो रूट 3 पे कितना हो जाएगा? लैम्डा रूट 3। बस अब इस शेल से आपको फ्लक्स निकालना है, इस शेल से, राइट? तो इस शेल से फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना है इस पे? रूट 3 लैम्डा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो फ्लक्स हो गया उसके थ्रू। तो पहला ऑप्शन है कि तीसरा ऑप्शन है, दूसरा कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज रूट 3 आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा था? जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस ऑफ द शेल। बिल्कुल, अगर देखो जो भी इस शेल के सरफेस पे जो भी फील्ड होगा, आप इसको समझने की कोशिश करो, इस शेल के सरफेस पे जो भी फील्ड होगा वो इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से होगा, जो भी फील्ड होगा इस इनफाइनाइट, क्योंकि इस शेल के पास तो कोई चार्ज है नहीं खुद का, ठीक है, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से होगा जो भी शेल के पास फील्ड होगा। अब आप देखो, जो मेरे पास एक वायर होता है लैम्डा कूलम पर मीटर लेंथ का, उससे आर डिस्टेंस में किसी भी पॉइंट पी पे फील्ड इधर की तरफ आता है, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इधर नीचे की तरफ आता है के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और ये पॉइंट जो होते हैं ज्वाइन करने वाले, ये थीटा 1 होता है, नीचे वाला जो पॉइंट होता है थीटा 2 होता है, राइट? अब अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, इनफाइनाइट कर देता हूं, तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड आएगी वो आएगी k2 के लैम्डा बाय r,
और इस डायरेक्शन में फील्ड आएगी जीरो, इसका मतलब वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो जो भी शेल पे इस डायरेक्शन में जो भी फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, कितनी, 2k λr, बस बाकी नीचे जीरो और हर जगह जीरो। तो ये जो आप देखो ये वाली जो एक्सिस थी ये जेड एक्सिस थी, जेड के परपेंडिकुलर या तो एक्स होगा कि वाई होगा, लेकिन जेड वाली एक्सिस के अलोंग तो फील्ड जीरो है क्योंकि ये एक्सिस आपको जेड दी थी। तो नीचे की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पैरेलल टू द वायर वो जीरो आएगी। तो बस यही तो बी ऑप्शन में इसने कहा है, जो क्या कहा है, द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स, बिल्कुल जीरो है, तो बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वो तो √3r/ε0 है, द फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस, नहीं नॉर्मल नहीं होगी, सरफेस के नॉर्मल थोड़ी होगी, उसी के प्लेन के अंदर तो है, बिल्कुल देखो फील्ड आगे की तरफ है 2k λr, तो ये नॉर्मल थोड़ी है, इस प्लेन के अंदर ही तो है, नॉर्मल मतलब इस प्लेन से बाहर आती हुई है, इस प्लेन के अंदर जाती हुई, तो दोनों ही केस नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, बड़ा ही आसान सा सवाल, ए और बी, √3r λ/ε0 जो होगा इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा, राइट, इस पूरे स्फेयर के थ्रू जो भी फ्लक्स होगा वो निकालना था वो निकाल लिया। ओके, तो काफी आसान सा प्रॉब्लम था, देखो जेई 2018 के अंदर आया हुआ, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ी स्पीड है, तो ये सवाल आपका 2 मिनट भी नहीं लेगा, मेंस लेवल की प्रॉब्लम है, एडवांस के अंदर उठा के डाल दी, 4 मार्क की बिल्कुल आसानी से 4 मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर सकते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अगर आप चाहते हैं ऐसी और प्रॉब्लम्स आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, और अमेजिंग कंटेंट हमारे चैनल पर डलता रहता है, क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं नीट रिलेटेड, जेई रिलेटेड, केमिस्ट्री के और मैथ्स के कोर्स चल रहे हैं हमारे जेई से रिलेटेड, और नीट और अदर एग्जाम से रिलेटेड, जेई वगैरह से रिलेटेड, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के क्रैश कोर्स चल रहे हैं जिनके वीडियोज रेगुलरली आते रहते हैं। राइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।